नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। संदेश तो मैं हमेशा देती हूँ, सेफ सुरक्षित यात्रा के लिए जितनी भी सतर्कता हो उतनी अच्छी है। रेल रक्षा समिति के लिए जरूर एक मैं मैसेज करना चाहूंगी कि कभी भी पब्लिक और पुलिस का रेशियो जो आइडियल है, आदर्श है, वो कभी भी नहीं पाया जा सकता। भारत की जनसंख्या, प्रदेश की जनसंख्या हमेशा जो पुलिस है हमारी उसकी जनसंख्या से ज़्यादा ही रहेगी। उस पर कंट्रोल या उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जैसे नगर में नगर रक्षा समिति है, गांव में ग्राम रक्षा समिति है, इसी तरह रेल में भी रेल रक्षा समिति का निर्माण किया गया। ये एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जिसको जिंदा रखने में सभी का कर्तव्य उतना ही है जितना एक पुलिस वाले का। पब्लिक और पुलिस के बीच के सेतु के रूप में काम करने वाली रेल रक्षा समिति से मैं एक ही चीज़ आग्रह करना चाहूँगी कि आप सभी एक्टिवली थाने पर अपना आना जाना बनाए रखें, ड्यूटी दें। आपका जो लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए अपराधों की रोकथाम, यात्रियों की सुरक्षा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बनाना, आवागमन के साधनों का समुचित उपयोग जिससे किसी भी अवैध चीज़ों का आवागमन ना हो, या तो पार्सल ऑफिस से या जहाँ से भी, मुसाफिर खाने और प्लेटफॉर्म पर जनरली लोकल जो चोरों की गैंग होती है वो अभी समर वैकेशन आ गया, वो एक्टिव है, तो एक ट्रेन आ रही है, दो ट्रेन आ रही है, उसमें यात्री यदि एक भी है तो उसको सुरक्षित उसकी यात्रा हो, ये आपका भी कर्तव्य और हमारा भी कर्तव्य है। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से आप लोगों से बस यही एक आग्रह है, एक्टिवली उसमें वर्क करें ताकि रेल यात्रियों की सुरक्षा हमेशा के लिए एक सुरक्षित बनाई जाए। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताजा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपके ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।